ने भी बढ़िया गीत गाओ तो हमारे रामकिशोर मुखिया जी ने कोशिश कर रहे हैं। अरे ग्वाल बाल एक एक से पूछे, ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली बाला, बड़ी देर भैरे नंद लाला ओ तेरी राह तके ब्रज बाला, अरे बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह शंकर के लिए कहा है। इस धरती के बुंदेलखंड में आप लोग गए होंगे जटाशंकर, और जटाशंकर में जटाशंकर जावे से पहले मिले बिजावर, बिजावर में महाराज भवानी सिंह के दरबार में कवि हुआ करते थे बिहारी जी, और बिहारी जी के बेटे हुए रसरंग जी, और रसरंग जी इतने बड़े और महान कवि हुए इस बुंदेलखंड के कि जिनका कोई वर्णन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, पूजा ठाकुर लोक गायिका दमोह से पधारी है, तालियां बजाने के लिए 100 रुपए का पुरस्कार पूजा की तरफ से मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। उनके लिए लिखा भगवान शंकर के लिए रसरंग जी ने क्या लिखा, देखो की जिंदगी कबे मोड़ ले जाए कछु नहीं कह सका, रसरंग जी को चरित्र ऐसो हतो के बिजावर में पैदा भय, इतने अवगुण भरे थे उनमें कि एक बार एक नाली के बगल में डले मिले शराब पी के, तो एक जने उठा के और महाराज के दरबार में धरे आए कि जी आपके राज कवि के लड़का दारू पिए डरे थे। उनके पिताजी बोले बेटा अगर मेरे खून से पैदा हो गए हो तो आज के बाद जीवन में अपना मुंह मत दिखाना हमें कभी, बस रसरंग ने दोबारा मुंह नहीं दिखाया। और जब ब्रज में गए, ब्रज में रहे, ब्रज में जब उनकी मौत आ गई वो मरने लगे तो अपने हाथ से इस उंगली से धूल में लिख गए थे कि गुण करे अवगुण करे खूब करे सत्संग, आन हरी अब मिल गए ब्रज रज में रसरंग, उनका लिखा गई थी। क्या लिखा कि और कौन है ऐसा दानी, बहन हमारी बड़ी बहन रज्जू राजा चौहान जहां भी हो कृपया मंच पे पधारे, उनका स्वागत है। कि और कौन है ऐसा दानी जैसा दीन दयाला रे, क्यों के महादेव बड़ा दिल बाला ओ हर बोल बना मत टंटो बिद जाए तो निपटा व्यवहार कौन नहीं हो सका। ऐसे ही जो संसार पूरो शंकर जी को मोहल्ला है, एक मोहल्ला हल्को सो और ये मोहल्ला में एक दिल लफड़ा काबे दो अबे भाई साहब ने सुनाओ कि सिंधु मथे में करल प्रकट भय निकली ज्वाला गहरी है भोला, निकली ज्वाला ऐसे ऐसे बैठे ढोलक के लाया तो ढोलक जे का ताली बजा रज्जू राजा के लाने 50 रुपए को पुरस्कार हमारे छोटे भैया बुआ के लड़का कुलदीप खरे के लिए ताली बजाओ उनकी तरफ से मिले।
सिंधु मथे में करल प्रकट भय निकली ज्वाला गहरी है। उस समुद्र में सब निकलो, 14 रतन निकले उसमें, सोनो चांदी हीरा जवाहरात घोड़ा हाथी सब निकलो, एक जनी बेकड़ी जी। अब बढ़िया देख के विष्णु भगवान ने दरिया बोले जो सामान ना ले आओ। अच्छा लोग भाई साहब गलत कह रहे हो बताओ, उनने खोल के कह दी कि जे हमको चाहिए जे किसी को नहीं मिलेगी। विष्णु भगवान ले गए उनको नाम लक्ष्मी जी, जे बैठी हीरा जवाहरात ले गए, आखिरी में उनमें जहर निकलो, जब जहर निकलो तो पेश बनी की बिना सुने में लहर दिखा दई लहरी है। देवता बोले हमें नहीं पीने, राक्षस बोले हमें नहीं पीने, तो सब ने भरो जहरो शंकर जी लो ले गए। कहा गणेश जी दोबारा खेल, बोले जो कहा गणेश जी पूछ रहे जो कहा है, देवता बोले जो चेहरा है, तो बोले हमारे घर का है लिया, बोले तुम्हारे दादा उम्र नहीं आए थे ले होते में, सो जो उनको हिंसा लिया। गणेश जी बोले और कहा का करो, बोले और तो सब पार हो गए जो ही बचो अब। गणेश जी बोले हमारे बाप का जहर ले आए, हम भग रहे क्या, हम उठा लठे दे। शंकर जी की आंख खुल गई, वे बोले इतने आओ ले आओ भीतर ले आए, और भगवान ने उठाओ और जैसे उनमें बताओ कि कहे के राम सदा शिव शंकर, कहे के राम सदा शिव शंकर, पी गए विष को प्याला महादेव बड़ा दिल वाला, और हर बोल एक बार दूसरी बार कि भागीरथ का कोई नहीं था चित की चिंता हरने, भागीरथ को होते भगवान राम के पूर्वज, और उन्हें अपने जीवन में एक ही काम करो और कोई काम नहीं किया, ना उन्हें कोई युद्ध लड़ा, ना उनकी कोई राज्य करने की कहानी वर्णन मिली है, खाली एक कहानी मिली कि वो धरती पे गंगा को लाए, और गंगा की उन्होंने घनघोर तपस्या करी कि हे गंगा मैया धरती पे आ जाओ, तो गंगा मैया ने कहा ठीक है हम तो आ रहे हैं, लेकिन हम में इतना वजन है कि हम नीचे गिरे तो धरती फाड़ दे, हम पाताल में चले जाए तुम्हें ना मिले, इसलिए कोई ऐसी मजबूत चीज है तुम्हारी धरती पे जो हमें साध सके। सो कौन ने कह दी कि शंकर जी है ऐसी वह गोरी है, सो बे बेचारे 1000 बार शंकर जी की तपस्या करे, देखो 1000 साल शंकर जी ठाणे भाई, बोले का भैया कहा बोला, बोले महाराज गंगा मैया कह रही कि जी में दम होगा जा, बोले दम किया कह रही शंकर जी से दम पूछ रहे, शंकर जी बोले ठीक है कह दो आ जा, हिमालय पे खड़े हो गए भगवान। तब गंगा बिना न और सहारा, सगर सुमन के तरने को भोले, सगर सुमन के अरे स्वर्ग लोक से गंगा आ गई, इतने भगवान शंकर की जटान में समा गई पूरी। अब भागीरथ ठाड़े सामने के महाराज, वो गंगा घुसी बारन में, भागीरथ बोले महाराज ऐसा थोड़ी कही थी कि तुम पूरी समा जाइए, तनक सी छोड़ दो जी में हमारे पोरखा तर जाए, तो भगवान शंकर बोले कि तुम आगे आगे चलो और तुम्हारे पछाने पछाने गंगा चले। एक लर निकाली, एक लर से जितनो पानी निकलो गंगा को, बस सीधी चली हिमालय से चल के इलाहाबाद में सबने देखी हुई है, देखिए बाकाहु भागीरथी गंगा कि स्वर्ग लोक से गंगा ला दई पृथ्वी और पाताल रे,
महादेव बड़ा दिल वाला हर बोल बोला आखिरी बात है इसके बाद एक लोकगीत इनके संग है इसके बाद छुट्टी ऐसे भगवान शंकर जिनकी लीला आपका सुनाई है ऐसे भगवान शंकर ने बुंदेलखंड चुनो है और बुंदेलखंड में कई जगह कुंडेश्वर चले जाओ आप साक्षात लीला भगवान की और ज्यादा नहीं तो जटा शंकर से चले जाओ दूर नहीं है 52 किलोमीटर काहे होते हैं विंध्याचल की कहने को भामे आन प्रत्यक्ष विराजे भोला आन प्रत्यक्ष विराजे हरि नाम जटा शंकर शिव सोहे और सबई खा साजे भोला और सबई खा साजे भोला उनकी दया भरोसे हरदम यही पे हो बेवक उनकी दया भरोसे हरदम रस रंग रहा खुशहाला महादेव बड़ा दिल वाला हर बोल महादेव बड़ा दिल वाला हर बोल बना दिल वाला हर बोल बना